मेरा ये कहना है कि इन्होंने विधायक क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन ने मिलके कोविड सेंटर बनाया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कोविड सेंटर हॉस्पिटल में न बनाते हुए इनको दूसरी जगह, जैसे नवोदय है या पिछली बार जो कोविड सेंटर बनाया था अनुसूचित जाति छात्रावास, जहाँ पर बेड भी उपलब्ध है, वहाँ इनको बनाना था। क्योंकि एकमात्र वार्ड यहाँ पर रामपुरा हॉस्पिटल में है, जहाँ पर 25,000 की आबादी है, आसपास कम से कम 25 गांव लगते हैं। उन सारे लोगों के लिए जो सामान्य बीमारी है, उन सामान्य बीमार लोगों के लिए इसको आरक्षित रखना था। क्योंकि अगर यहाँ कोविड सेंटर बना दिया गया तो सामान्य वर्ग, सामान्य बीमारी के जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनको सुविधा से पूरी तरह से वंचित रखा जा रहा है। उनको अगर उन व्यवस्था नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, तो हो सकता है कि कोविड के चक्कर में वो साधारण बीमारी के लोग मर सकते हैं उनका। इसलिए हमें जिंदगियां बचाना है। अभी सबको राजनीति से ऊपर उठ के क्षेत्रीय विधायक और सारे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्षेत्र के लोगों को जो है अभी राजनीति से ऊपर उठ के गांव के लिए सोचना चाहिए। और गांव में सही जो है अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं, इसमें ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कोविड सेंटर होता है उसके लिए अलग स्टाफ होना चाहिए, और जो कोविड सेंटर के लिए एक अलग डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर ही अगर कोविड के मरीजों को भी देखेंगे, और स्टाफ जो कोविड के मरीजों को भी देखेंगे और साधारण साधारण मरीजों का भी इलाज करेंगे, तो चूंकि उसमें जो है संक्रमण बनने का पूरा पूरा खतरा है, उससे जो है और संक्रमण तेजी से बढ़ेगा, और जो सामान्य मरीज है वो भी संक्रमित होके शायद कोविड की चपेट में आ सकते हैं। आपकी शायद SDM साहब महोदय से भी बात हुई है। हाँ, मेरी कल SDM साहब से, मैं जब शाम को पहुंचा, मैं कहीं बाहर था, तो जब रामपुरा पहुंचा तो मैंने देखा कि व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहा था कि रामपुरा में क्षेत्रीय विधायक महोदय ने यहाँ पर कोविड सेंटर का उद्घाटन किया है। तो उसी बात को लेके मैं जो है सवेरे कल जो है SDM साहब मनासा से मिला और उनसे बात की कि भाई सर, आप जो है इसको कोविड सेंटर को रामपुरा वार्ड में न बनाते हुए आप अलग जगह बनाते तो शायद अच्छा रहता। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि साहब, स्टाफ के लिए तो आप जो है जो डॉक्टर हैं उनको और एकाध कहीं से अरेंज करके, या फिर जो जो नर्स वगैरह है उनको वहाँ लगा दें, और डॉक्टर जो है, ये अगर ये अच्छी बात है कि जो प्राइवेट जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उन डॉक्टर लोगों को भी, मेरा ऐसा मानना है कि माननीय SDM साहब को और माननीय कलेक्टर साहब को लिखित में आदेश देना चाहिए कि आप लोगों को भी यहाँ पर अभी स्वास्थ्य के लिए कोविड सेंटर पे और हॉस्पिटल में सेवा देनी चाहिए। तो शायद मेरे ख्याल से वो लोग मना नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।